हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुष्य अस्तो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटल पॉइंट। आज हम वो देखते हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम वो देखते थे डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, रोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं वो नेशनल डेवलपमेंट को ब्रॉड में। तो ये क्या होता है? इट प्रोवाइड एबिलिटी टू नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजन। मतलब ये होता है कि नेशनल डेवलपमेंट ये होता है जो सिटीजन के लाइफ को इम्प्रूव करे, वही हमारा नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। और इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे पॉलिटिकल मतलब अच्छी पॉलिटिक्स वहाँ पे, और इकोनॉमिक मतलब अच्छी मतलब पैसे अच्छे आए हैं उस कंट्री के, पैसे अच्छे हों। सोशल मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब सबको इक्वल लाइफ दी जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे ऑफिसेज अच्छे हों, रेलवेज अच्छे हों और अच्छी घरें हों, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट होते हैं। अब इसको हम और देखते हैं, मतलब नेशनल डेवलपमेंट के क्या मेजर्स होते हैं, मतलब उसको कैसे वो मेजर्स करते हैं, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम कि मतलब नेशनल डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करें। तो पहला है नेशनल डेवलपमेंट मेजर इंक्रीजिंग द जीडीपी। तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारा जीडीपी होता है। तो वहाँ पे इंक्रीजिंग जीडीपी से हमको पता चल जाता है नेशनल वहाँ पे उस देश में डेवलपमेंट है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोशल फैक्टर वहाँ के अच्छे, मतलब लिटरेसी रेट, मतलब पढ़े लिखे लोग, मतलब लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग हों। और एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छे, मतलब हॉस्पिटल अच्छे हों। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जॉब मतलब सबको जॉब मिले, मतलब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, यही हमारा होता है इंक्रीजिंग जीडीपी। मतलब हम और कैसे मेजर कर सकते हैं कि वहाँ पे उस डेवलपमेंट उस कंट्री में हो रहा है या देश में उस डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही हमारे तीन फैक्टर हैं। इसको हम और देखते हैं आगे। यहाँ पे तो हम देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो हम डिफरेंट कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के मामले में। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक क्राइटेरिया निकाल रहा है ये नेशनल डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए, वो है PCI। इसका फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या होता है पर कैपिटा इनकम? हमारा ये होता है नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये हमारे PCI पर कैपिटा इनकम होता है, नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, हुआ है या नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया निकाला है उसके हिसाब से अगर किसी कंट्री में $12,056 से अगर उस कंपनी का इनकम है, मतलब $12,056 से उस कंपनी का इनकम है, तो कंपनी रिच कंट्री कहलाती है। मतलब कंट्री रिच कंट्री कहलाती है। अगर उस किसी कंट्री का इनकम लेवल $955 है, तो कंपनी हमारी लेस डेवलपमेंट कंट्री कहलाती है। अगर किसी किसी कंट्री का इनकम लेवल जो है वो $1,256 है, तो हमारी कंट्री रिच कंट्री कहलाती है। अगर किसी कंट्री का वो इनकम लेवल $955 है, तो कंट्री हमारी लेस डेवलपमेंट कंट्री कहलाती है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम बस इतना देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, हमारा न्यू चैनल मतलब ओपन हुआ है डिड यू नो द फैक्ट्स। तो जो भी लोग हैं उसे उस चैनल के बारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है गाइस, तब तक बाय बाय क्लास, थैंक यू।